नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं आपकी आवाज म्यूचुअल लाइव और हाफिज गुलाम सरवर जी मेरे साथ मौजूद है। हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रदर्शन यहाँ पर तोलकाबाद रविदास मंदिर के बहुत ही करीब यहाँ पर हमदर्द जामिया यूनिवर्सिटी है उसके पास में है और हाफिज गुलाम सरवर जी मेरे साथ हैं। क्या कहेंगे सर, आज का जो ये पूरा प्रोटेस्ट था, आपको आगे नहीं जाने दिया गया, आप लोगों ने कानून का पालन किया है, क्या कहेंगे आज के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पिछले 1.5-2 सालों से देश की स्थिति जो है वो बड़ी तेजी से बदलती जा रही है। पूरे देश से जो सूचनाएं प्राप्त होती है उसमें प्रायः SC ST समाज और माइनॉरिटी के ऊपर एट्रोसिटीज हो रहे हैं। एट्रोसिटीज का तो हम लोग मुकाबला कर ही रहे थे, लेकिन जो हमारा प्रतीक है, हमारा चिन्ह है, जो हमारी निशानी है, उसको भी मिटाया जा रहा है और संविधान की आड़ में असंवैधानिक कार्य किए जा रहे हैं। पिछले 5 अगस्त को जो तुगलकाबाद में घटना घटी है वो संविधान की आड़ में लेकर घटी थी, लेकिन वो असंवैधानिक था पूर्ण रूप से, क्योंकि दान की जो भी जमीनें होती हैं उसकी सुरक्षा का काम सरकार का है और ये जो लोधी वंश की ओर से दान में दी गई जमीन थी। संत रविदास जी प्यार, मोहब्बत, भाईचारा का संदेश देने वाले संतों में उनकी गिनती होती है। अगर भारत के लोग प्यार और भाईचारा और एकता और अखंडता का संदेश देने वाले संत को भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनके चिन्हों को भी नहीं बर्दाश्त कर पाए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा इस देश का। इसलिए हम लोगों को ऐसा लगा कि यदि हम लोग बैठे रहेंगे तो ये समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, तो इन पर लगाम लगाने के लिए सरकों पर आना जरूरी है। तो इसलिए माइनॉरिटी के लोगों ने निर्णय किया कि चूंकि संत रविदास के प्रति आस्थावान तो जो है वो SC समाज के लोग अधिक है, हालांकि पूरा देश उन्हें मानता है क्योंकि वो प्यार मोहब्बत का संदेश देने वाले संत थे, तो लेकिन SC ST के लोगों को अकेला हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो उनके भावनाओं से जो खिलवाड़ किया गया दिन के उजाले में, तो हम लोगों को ये लगा कि अगर हम लोग बैठे रहेंगे तो आज वो और कल हमारी बारी है, इसलिए हम लोगों को मिलकर इस पर आगे आना चाहिए। आज उसकी कड़ी है कि हम लोग सड़क पर आए हैं और केंद्र सरकार को एक चेतावनी के रूप में संदेश दे रहे हैं, यदि आपने उस आश्रम का पुनर्निर्माण नहीं किया और उसमें आने वाली कानूनी अड़चनों को दूर करने का प्रयास नहीं किया तो हम लोग फिर इससे बड़ा कदम उठाएंगे, हम लोग पार्लियामेंट का घेराव भी करेंगे और जहां तक जो संभव डेमोक्रेसी में जो कुछ भी पॉसिबल होगा वो सब कुछ हम लोग करें। अभी जिस तरीके से बघेल साहब का बयान, अभी वो स्पीच में कह रहे थे कि बहुजन समाज ना आए, मुस्लिम समाज ही बहुजन समाज की लड़ाई लड़ेगा, तो ये बड़ा बड़ा बयान है, क्या कहेंगे इसके लिए? इतिहास बदलने वाला है सर देश में। जी 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 जी, जी ये महमूद प्राचा साहब को मैं बधाई देता हूँ, आज वो आए और हम लोगों की इस लड़ाई का नेतृत्व किया उन्होंने, और जो उन्होंने ऐलान किया ये बहुत पहले हम लोग इस बात को कह रहे थे कि जब भी इस तरह के एट्रोसिटीज हो या कोई इस तरह की घटनाएं घटे जिससे SC ST के लोग या बहुजन समाज के लोग आहत होते हो, उनको ऐसा लगता हो कि हम बिल्कुल यहाँ पर जो है अकेले पड़ रहे हैं, तो मुस्लिम समाज को ये चाहिए कि वो उनको अपने हाल पर छोड़ते हुए उनकी लड़ाई को खुद लेकर लड़े और वो खुद लीड करें, खुद आगे आए, ताकि एक सही सकारात्मक संदेश जाए देश के अंदर कि हमें कोई बुलाएगा तो ऐसा नहीं है, बल्कि हमें जहां जहां भी लगेगा कि अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, संविधान के आड़ में संविधान से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो वहां हमको आगे आना चाहिए। तो वकील साहब का यह बयान स्वागत योग्य है और हमें उम्मीद है कि माइनॉरिटी के अंदर ये अच्छा मैसेज जाएगा पूरे दिल्ली और पूरे देश में। माइनॉरिटी में जो लोग लीड करते हैं, जो लोग अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, जो नेतृत्वकर्ता धरता है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि पूरे भारत में बहुजनों पर जब किसी प्रकार का अत्याचार और एट्रोसिटीज हो या उनके प्रतीकों को, उनके चिन्हों को मिटाने का प्रयास किया जाए, वो सीना सपोर्ट करके सामने आ जाए और पूरी ताकत से जब वो सामने आएंगे तो सरकार निसंदेह जो है पीछे हटेगी, ये संदेश सरकार तक जाना चाहिए। हमारे हाफिज गुलाम सरवर जी हैं, वर्तमान मुद्दों पर अपनी पैनिंग नजर रखने वाले हाफिज गुलाम सरवर जी तमाम मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट करते रहते हैं, चाहे वो मुद्दा मुस्लिमों का हो, चाहे वो मुद्दा बहुजन समाज का हो, और इस तरीके के नेता तमाम देख सकते हैं। आज मुस्लिम और बहुजन समाज एक साथ एक सड़क पर एक बैनर के तले खड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ा मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जो हिंदू, जो मुस्लिम और बहुजनों को लड़वाते रहते हैं आपस में। तमाम खबरों में आप देखते रहिए आपकी आवाज न्यूज 24 लाइव। धन्यवाद। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।